बातों बातों में ही देखिए हम टनल के पास पहुंच गए और इस टनल के साथ देवभूमि हिमाचल में आपका भी हार्दिक स्वागत है। पहाड़ सड़क के कहां से कहां को आ गया। कहा करते थे कि यार पानी की कमी है, पानी नहीं है, भगवान ने सारी प्यास बुझा दी, सबकी प्यास बुझा दी भगवान ने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे और ज़िंदगी के नज़ारे ले रहे होंगे हमारी तरह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इनविंसिबल बाइकर पे। अभी रिसेंटली मैं गया था वृंदावन, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, और उसके बाद चंडीगढ़ में ही थे हम। तो आज कुछ मौसम साफ भी है और घर से भी पता चला कि वहाँ पे भी बारिश नहीं हो रही है, तो सोचा निकल ही जाते हैं टाइमली घर के लिए। तो बस आज ये घर का सफ़र शुरू किया है आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से सफ़र हो जाए, आगे कोई बारिश वगैरह ना ही मिले, क्योंकि मुझे फिर से रेनकोट निकालना पड़ेगा। और ये देखिए 15 अगस्त के दिन यहाँ सजावट क्या प्यारी करी हुई है गुरुद्वारा साइड में। तो भाई मौसम तो आगे बेईमान ही लग रहा है और उम्मीद है कि निकल जाए टाइम अच्छे से। ये देखो भाई प्याज का ढेर लगाया हुआ है, जिसको प्याज ले जाना हो भाई दबा के ले जाओ यहाँ से, कट्टे भर भर के ले जाओ, सस्ते पड़ेंगे, प्याज ही प्याज खाओ। गर्मी यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, मतलब यहाँ पे क्या है कि बारिश आने वाली है। तो चलो देखते हैं, घर पहुँच के मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ बारिश हो गई हमारे घर पहुँचते ही। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा चला है पंजाब में, और ये रोड देख सकते हो आप, नए सिरे से ये रोड बनेगा और गाड़ियाँ जो है दोबारा से उड़ना शुरू करेंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी क्या है कि इन गड्ढों की वजह से जैसे आपको दिख रहे हैं ना, थोड़ा रोड ख़राब हो गया है, तो गाड़ियाँ थोड़ी धीरी चल रही हैं, वरना उड़ती हुई जाएंगी अभी जैसे ये नया रोड बनेगा। क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है सीमेंट ही दबा रहे हैं, डायरेक्ट मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है इसमें, तो अच्छा रोड बनाए सरकार, बस यही उम्मीद है। पैसा लगा रही है इतना, तो बस उस अच्छा यूज़ हो उन पैसों का।
देखो भाई, ना लेफ्ट है ना राइट है, कहाँ ये चल रहे होते हैं मेरे को नहीं समझ आती। गाड़ी वाले शीशे में भी आप देख सकते हो बिल्कुल बीचों बीच चला है, तो पता नहीं क्या मिल जाएगा भाई को बिल्कुल बीच में चल के ना। यार थोड़ा साइड में चल लो, बाकी भी बंदों ने चलना है रोड पे, फिर कुछ हो जाए तो बोलते हैं कि हाँ हमारी गलती नहीं थी ये वो ब्ला ब्ला। अभी जो है किरतपुर अप्रॉक्स 10-20 किलोमीटर रह गया होगा, पीछे जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था बट यहाँ आके थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है अभी। बाकी यार उम्मीद करता हूँ विंड नॉइस ना ही आ रही हो आपको, आज बहुत हवा चली है, मतलब माइक का तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या आपको रिस्पॉन्स देगा ये। और आज एक ही उम्मीद करता हूँ कि 4 लेन ओपन हो, क्योंकि अगर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा तो भाई वो तो बहुत ख़राब रास्ता है। सभी से एक ही अपील है, जब भी ऐसे खुले रास्तों पर चले तो धीरे चले, धीरे चल के आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल इसी स्पीड पे आपको धीरे चलना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो बाइक हवा में उड़ सकती है, तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है आपको, क्योंकि हमें धरती पे ही चलना है आसमान में नहीं, तो इतनी स्पीड काफ़ी है, सफिशियंट है। और है यार अभी ना यामाहा R15, मतलब मुझे नहीं पता बाकी यामाहा में ऐसा है या नहीं है, या बाकी R15 में भी ये फंक्शनलिटी है या नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर मान लीजिए मैं कहीं ट्रैफिक में हूँ और मैं थोड़ा स्पीड पे हूँ, स्पीड में क्या कोई भी स्पीड पे हूँ, मुझे क्या करना है सिर्फ एक्सेलरेटर छोड़ना है। स्पीड आप देख सकते हो एकदम से कितना मतलब बंद कम हो गई है, मतलब बिना ब्रेक लगाए मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाई और ये अपने आप इतना स्लो हो जाती है बाइक कि आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा, मतलब आप बिना ब्रेक लगाए। मेरा मतलब मैंने जो लास्ट ब्रेक पैड मैंने चेंज किया था 10,000 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक पैड चेंज हुआ इस बाइक का, और अभी जो दूसरा ब्रेक पैड है वो भी 6,000-7,000 अभी चल पड़ा है। मुझे तो यार अच्छा लगा रिस्पॉन्स उसका। अभी जो पुराना जो मैं बता रहा हूँ 10,000 पे जो चेंज करवाया था ब्रेक पैड, वो भी मतलब अभी 1,000-1,500 और चल जाना था किलोमीटर, बट मुझे कहीं लंबी राइड पे मैं उस टाइम पे गया था और मुझे चेंज करवाना पड़ा। हाँ शायद जम्मू में गया था इसलिए उस पर थोड़ा ट्रस्ट कम था, बट अब मुझे फुल ट्रस्ट है इस पर, इसके ब्रेक पैड पे कि हाँ अगर थोड़ा सा भी बचा है ना कोई टेंशन नहीं है, ख़राब नहीं होगा कुछ भी, ना डिस्प्ले घिसेंगी ना आपका ब्रेक पैड का नुकसान होगा, ब्रेक भी लग जाएगी, कोई उससे चिंता नहीं। और ये लंगर लगा के सेवा लगा के आ रहे हैं बंदे। मौसम बढ़िया हो गया यार यहाँ आके ना, हिमाचल की ठंडी हवाएं लगी आ रही हैं अभी। किरतपुर रह गया अभी 15 किलोमीटर और उसके बाद हिमाचल की जर्नी शुरू। पहुंच गए किरतपुर और यहाँ से हम लेंगे टर्न अपने बिलासपुर की ओर, जो आप मनाली बोर्ड देख रहे हो, फ्लाईओवर चल के हिमाचल के नज़ारे शुरू। तो चलो जी हिमाचल, जन्नत, ये जन्नत और स्वर्ग की सीढ़ी है भाई, ये जो हम चढ़ी अभी ना इसे कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी, क्योंकि सीधा जाती है हिमाचल। तो दोस्तों खूबसूरत वादियों के बीच हम आ चुके हैं और आशा करते हैं आगे भी ऐसी खूबसूरत ही रहे, वो भयानक दृश्य देखने को ना मिले जो अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं। हरियाली देखो यार इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड में जो हरियाली है ना, बहुत ही प्यारी लग रही है ये नज़ारा।
अब बस बहुत हो गया बारिश का, अब ये बारिश नहीं होनी चाहिए। और हम डायरेक्ट एप्लीकेशन देंगे इंद्रदेव जी को, ताकि ये एप्लीकेशन को रिसीव करके जो है बारिश रुक जाए। और हमारे गौ माता जी के लिए भी सोचना पड़ेगा सरकार को कुछ ना कुछ, क्योंकि ये रोड में बैठी रहती हैं। दिन में तो चलो नज़र आती है, बट रात में अंधेरे में अगर स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे तो वैसे ही नहीं है, मतलब रोड लाइट कुछ नहीं है यहाँ पे। गाड़ियों की लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि नीचे बैठी गाय पे नज़र पड़ जाए एकदम, क्योंकि गाड़ी भी देखो 40-50 की स्पीड पे तो नॉर्मल है यार, इतना तो चलता ही है इंसान। देखो भाई टोल ले रहे हैं, टोल के हाल देख लो, मतलब रोड के क्या है बताओ। पता नहीं किस चीज़ के टोल है, गेट पीछे है, एक यहाँ पे है, इतने टोल करने क्या यार, क्यों देते हैं इतने टोल लोग। फैसिलिटी फिर भी ये देखो सारे पहाड़ सर के पड़े हैं, पता नहीं कब और ऊपर से आ जाए। देखो रोड के हाल, सारा पानी मिट्टी सब आया पड़ा है यार रोड पे। ये हमारे आज के इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग है, और जो पहले के इंजीनियर्स थे उनका रोड बनाया हुआ बहुत रेयर चांस है कि कोई रोड गिरे, बहुत रेयर चांस है यार। बट आज के इंजीनियर्स तो पता नहीं यार कैसे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी किस बेसिस पे मिलता है आजकल तो। हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी तो सिर्फ बोली लग गई, जो सबसे कम में बनाते उसको दे दो भाई, यही चल रहा है आजकल। बातों बातों में ही देखिए हम टनल के पास पहुँच गए, और इस टनल के साथ देवभूमि हिमाचल में आपका भी हार्दिक स्वागत है। तो चलिए टनल में एक बार घुस चुके हैं हम, फिर से शील्ड्स लगाए हैं, उन्हें हटा देते हैं क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। और स्पीड लिमिट का देखें, बराबर ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि चालान बहुत होंगे यार, और चालान दुनिया भर के होना शुरू हो भी गए हैं। तो मैंने फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाई थी, बट अभी वो प्रॉपर फिटिंग नहीं आई है, बट फिर भी चलो थोड़ा वाइड एंगल मिल ही जाता है इनसे। और जो स्पॉटलाइट है सर्दियों में ये भी अच्छी है, येलो लाइट जो आ रही है सामने आपको नज़र आ रही होगी रोड पे। और ये थोड़ा मेरे को वी शेप में, मेरे को जैसे हमारी V3 में क्या होता है हिल एरियाज़ में इसका हेड स्ट्रेट रहता है, हमें टर्न इधर को जाना होता है तो दिक्कत होती है, बट अभी सॉल्यूशन मिल गया है। अगर इसकी फिटिंग और अच्छे से हो जाए तो बहुत बहुत नज़ारे आ जाएंगे, यहाँ तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है यार। देखो आप, मतलब ये फैसिलिटी है, अभी काम का पूरा हुआ नहीं है, आज टोल के पीछे पड़ गए हैं भूखों की तरह। तो भाई आराम से तसल्ली कर लो, ट्रायल रन करो, पहाड़ों से पूछो इजाज़त है कि नहीं है जाने की आगे, तब जाके रोड ओपन करो। ये क्या मतलब बनता है कि रोड अभी आधा दूर है और आप चला रहे हो टोल, है ये कोई बात तो बनी नहीं यार। वैसे अंदर पास लेना नहीं चाहिए, पर चलो ले लेते हैं। ये देखो यहाँ धुंध जमी पड़ी है भाई, कुछ नहीं नजर आ रहा। तो लीजिए हमारा आधा सफर पूरा खत्म हो गया है, कंप्लीट 50, सिर्फ आधे घंटे में हम पहुंच चुके हैं हिमाचल के एंट्रेंस पे। और अब यार यहाँ से पंगा शुरू है असली में। अरे अच्छा ये सिंगल लेन ही कर दिए, मैं भी वही सोच रही हूँ, अरे फोर लेन था और गाड़ियाँ इधर से आ रही है, समझ नहीं आया। ये देखो भाई हार्ड सड़क के कहाँ से कहाँ को आ गया रोड, ये है कटिंग। देखो आप, आपको लगता है ये रोड वैसे सेफ है यार, ये तो कोई भी देख के बता दे कि ये जो कटिंग हो रखती है ये वैसे ही सेफ नहीं है। कटिंग टनल फिर से आ गई, ये टनल में ऐसा लाइट कम से कम पूरी है,
एंड तक। अभी काफ़ी रूट यहाँ से भी डाइवर्ट कर दिए हैं और बस हो चुकी है ख़राब। और इस रूट पे तो भाई मैकेनिक भी दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। और मुझे यहाँ कुछ दिखा है, अब पता नहीं आपको वो नज़र आएगा कि नहीं। नीचे देखिए भाई, गोविंद सागर लेक जो कभी ये हरी हुआ करती थी, इसका हाल देखिए आप। पूरा मतलब मिट्टी 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 हो गई है यार। ये देखो गाइस, कहाँ से कहाँ तक क्या हाल है। मतलब क्रेन भी पूरी मतलब उसमें कीचड़ में धस चुकी है। ना जाने कैसे कैसे ये रोड बनाए हैं। और गोविंद सागर लेक भाई इतनी भर चुकी है ना, इतनी भर चुकी है कि क्या बताएं आपको। और देखो सिंगल लेन है, तब भी गाड़ी वाले भैया जी को जल्दी है जल्दी। ये तबाही हो रखी है भाई। बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है यार इस बार, इस बरसात में। बिलासपुर के जो मंदिर है वो तो सारे डूब चुके होंगे अभी तक। सभी लोग खड़ खड़ के ये नज़ारा ले रहे हैं गोविंद सागर का। ओह माय गॉड भाई, इतना मतलब इतना पानी, सही में भाई बहुत ज़्यादा पानी है ये तो। वो देख रहे हो आप वो गांव, अगर 3-4 दिन और बारिश रह गई तो वो गांव भी पूरा खतरे की चपेट में है। भाई मतलब गंदी ही तबाही। भाई ये देखो आप यार कितना मतलब वो है ना अंधेरा। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा तो सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही होंगी। इस टनल में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मतलब इतना तो अंधेरा एक्चुअल अंधेरा नहीं होता यार जितना ये है। बेहिसाब भाई। लाइट्स लगा देनी चाहिए इनको जल्दी से जल्दी। थोड़ी नहीं, इन्होंने तो सारी बसेस यहाँ से डाइवर्ट कर दी है यार। अब मतलब किसी को अगर सुंदरनगर सॉरी स्वारघाट और उधर जाना हो तो कैसे जाएंगे बताओ। वहीं से लोकल बसेस चलेगी स्वारघाट पे। यार इससे पूरा ही मतलब कट हो गया, पूरा का पूरा कट हो गया स्वारघाट इस 4 लेन के बनने से। अगर यहाँ स्पीड लिमिट नहीं होती तो शायद अभी तक मैं घर पहुंच चुका होता। सीधा 40-50 की स्पीड कम हुई है। कितना लेवल हो गया पानी का यहाँ पे भी भाई। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत गहरी खाई थी यहाँ पे और पुल की हाइट भी बहुत थी। और ये तो देख के लग रहा है कि अगर 5-7 दिन और बारिश ऐसी रही तो ये तो पुल भी पानी के नीचे चला जाएगा। इतना पानी तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था यार कि इतना भी बढ़ जाएगा। इस बेसिस पे ये फिर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे, आप खुद आइडिया लगाओ। वो देखो गाइस, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बोट और बाइक दोनों एक ही लेवल पे चल रहे हों। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट बहुत ज़्यादा पानी है भाई। ये देखिए इस तरफ, और बिलासपुर में अभी हम हैं और यहाँ सभी मतलब ज़्यादा ही हुआ तो 70 की स्पीड पे जा रहे हैं, क्योंकि 70 की स्पीड को डिटेक्ट करके जो सेंसर है वो 60 बता दे रहा है। तो 70 तक चल सकते हो अभी आप यहाँ पे। बट कैमरा है तो कोशिश करो कि 60 के नीचे ही स्पीड रखो यार। फालतू खर्चा क्यों ही करना सरकार पे। तो
अभी तो मैं बहुत बढ़िया रह गया कि जो घर आके आया और ऐसा मौसम, साफ सुथरा मौसम मिला है मुझे अच्छा। जब मैं चंडीगढ़ गया था तब बारिश थी, हल्की फुल्की बारिश थी, तो रेनकोट पहन के मुझे जाना पड़ा था, और बारिश में तो ब्लॉगिंग का फिर फ़ायदा भी नहीं था। कहा करते थे कि यार पानी की कमी है, पानी नहीं है, भगवान ने सारी प्यास बुझा दी, सबकी प्यास बुझा दी भगवान ने, कुछ ही झटकों में सबकी प्यास बुझा दी भाई, अब कोई पानी नहीं मांगेगा, सब बोलेंगे अब और नहीं चाहिए, बहुत हो गया परमात्मा, सबकी टंकियां फुल हो गई, सबके घरों में पानी पहुंचा दिया परमात्मा ने। चलो उम्मीद तो यही है कि अब आगे और ना पहुंचाए और नुकसान ना हो किसी का। तो एक चीज़ और है यार भाई कि स्पीड लिमिट है 60 की, बाइक में गियर है 6, पाँचवें गियर पे मतलब 100 पार होती है, तो छठे गियर का मैं करूं तो करूं क्या यहाँ पे, बताओ क्या किया जाए 6th गियर का भाई, कहाँ लगाऊं उसको, बाइक वालों को बोल के निकलवा ही दूंगा वो गियर, मैं पांचवा भी निकलवा दूंगा, अब 60 की स्पीड पे तभी चल पाएगी ये, मतलब देख रहे हो पांचवें गियर पे 4000 आरपीएम पे ये बाइक चल रही है 60 की स्पीड पे, वो भी बिना किसी जोर के, ठीक है। तो या तो मैं 6000 के बाद जितने आरपीएम है उनको हटवा देता हूँ इस बाइक से, या फिर गियर्स को निकलवा देता हूँ। आप कमेंट करके बताओ क्या किया जाए, क्या निकलवाया जाए भाई। यार ऐसा क्या मजाक है ये, मतलब 4 लेन पे 60 की स्पीड, कम से कम इतने तो भागनी चाहिए ना बाइक के। देखो 5th गियर पे एकदम पिकअप है इसका, अब ये पिकअप ना मिले अगर तो क्या मज़ा। ये भाई ये कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, अरे बाप रे, ये तो दूसरे गियर में 60 जा रही है यार, देखोगे ये देखो, तो मतलब 3 गियर काफ़ी है ना। अरे बाप रे, यहाँ पे भी रोड जाम है भाई, ये देख रहे हो अभी और आ रहा है ऊपर से, ये पूरा रोड बंद हो गया है, थैंक्स टू इंजीनियर्स, नए इंजीनियर्स। ये देखो यार, तो 4 लेन बने कुछ टाइम भी नहीं हुआ है और अभी ये हाल है, तो जब बनेगा। और NHAI की एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि NHAI ने लिया सबक, अब नहीं काटेंगे 90 डिग्री पे पहाड़, मतलब वो पहले क्या पता नहीं था उनको कि 90 डिग्री पे पहाड़ काटेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, उनकी कोई रिसर्च नहीं थी, कोई एनालिसिस नहीं था क्या उनका। वही है ना कि रट्टे मार के डिग्री ले ली, समझ का कोई है नहीं, सीन पानी कुछ नहीं है, बस पास होने चाहिए डिग्री में, बस कोई नॉलेज हो किसी को ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सड़क ही बैठ गई है यहाँ पे, तो ये है नया 4 लेन, शाबाश रे इंजीनियर्स, शाबाश है तुम्हें। नितिन गडकरी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तो कहाँ ही देखोगे ना, पर अगर फिर भी पहुँचे आपके तक ये क्लिप अगर, तो ज़रा इस रोड को बनवाने वालों पे जांच कराई जाए ज़रा कि किस बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे। ये ऐसा रोड यार, मतलब मजाक है ये, समझता हूँ कि नेचुरल डिज़ास्टर है ये, कुछ भी हो सकता है, पर यार ये नया रोड था,
ये सब नज़र में था, इनके ध्यान में था कि पहाड़ है, पहाड़ी सरकती है, मिट्टी बैठती है। इंजीनियर से पहले ये चीज़ ही चेक करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे रोड ही धस गया नीचे। यार पहाड़ ऊपर से आ रहे हैं वो तो समझ आता है सभी को, बट रोड बैठ जाने, मतलब मजाक है यार कोई। तो लो दोस्तों, फाइनली घर पहुंच गए। ये हमारे चंडीगढ़ से घर के सफ़र की लास्ट टनल है अभी, इसके बाद हमारा सीधा घर आएगा। लेफ्ट लेन जो है बंद हो गया। ऊपर से आप देख रहे हो ना, जो पहाड़ है जो ऊपर, वो सारा पहाड़ अभी आएगा अगर बारिश कंटिन्यू हुई इस साल, नहीं तो अगले साल ही आएगा, ही आएगा, ज़रूर आएगा। ऊपर भी वो कच्ची मिट्टी है, ये फिर से रोड बंद हो गया, बार बार यहाँ रोड बंद हो रहा है। और हमें सुनने में आया था कि आर्मी वालों ने वैसे इस रोड को रिजेक्ट भी किया था, पर पता नहीं अप्रूव किसने किया है, ये क्या है क्या नहीं है। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आपको वीडियो हमारी ही नज़र आए। तो बस थोड़ा प्यार उस तरीके से बनाए रखना, हमारा साथ देना जर्नी में। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ।